एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइस आर वेल। तो अभी हम लोग चल रहे हैं प्रयागराज के इस्कॉन टेंपल पे। तो मैं प्रयागराज का ही रहने वाला हूं और मैं इस समय इलंगंज में हूं और इलंगंज से ही मैं जाऊंगा बलुआ घाट में ही इस्कॉन टेंपल है। मैं कई बार गया हूं बट व्लॉग के लिए मैं हमेशा दर्शन करने के लिए जाता हूं, वहां पे एक अलग सुकून मिलता है। बट आज मैं व्लॉग के लिए जा रहा हूं, तो व्लॉग भी करूंगा उसके बाद आपको दर्शन भी करा दूंगा। हम 6:30 तक निकलेंगे यहां पे और करीब 7 बजे तक पहुंच जाएंगे क्योंकि 7 बजे आरती होती है। तो वहां का 7 बजे का बहुत भव्य आरती होती है, तो आप सबको आरती जरूर दिखाऊंगा। ठीक है, हमारे साथ हमारे भाई रोहित हैं, तो अभी वो नीचे रेडी हो रहे हैं और मैं, आप जैसे देख सकते हैं, मैं रेडी हुई। मैं पहले दिन में गया था तो वहाँ का भाई साहब बहुत बहुत अच्छा था। गौशाला वहाँ पे है और भी चीज़ें हैं, तो आपको मैं एक थोड़ा सा क्लिप दिखाता हूँ जो आपको खुद लगेगा कितना प्यारा था। ठीक है, तो उसके बाद क्लिप दिखाने के बाद फिर हम लोग चलते हैं, बाइक स्टार्ट करने के बाद फिर चलते हैं रोहित के साथ नीचे। रोहित हमारा वेट भी कर रहा है, तो थोड़ा सा क्लिप देख लो उसके बाद फिर। देखो ये गौशाला है, जैसे मैं पहले जा चुका हूँ उसके बाद ये वाला देखो, ये वाला वीडियो मैंने सिर्फ शॉर्ट के लिए शूट किया था लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। ये देखो, बाय द वे मैं भी रेडी हो गया हूँ, अब मैं भी चल रहा हूँ नीचे, उसके बाद रोहित से मिलके निकलते हैं। तो फाइनली हम लोग इस्कॉन टेम्पल पहुंच चुके हैं और हम लोग मंदिर के अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये देखो, आरती स्टार्ट हो चुकी है पहले से ही, तो यहाँ पे राधा रानी जी को देख सकते हैं, राधा कृष्ण जी को। Shiva Shukha
फाइनली हम और रोहित घर पे आ गए हैं। तो रोहित भाई जाके कैसा लगा ये बताइए। बहुत ही अच्छा लगा और सुकून भरा दिन था आज का। अभी शाम को बज रहे 8 और चलिए देखते हैं आगे क्या, फिर जाना होगा दोबारा हम लोग जरूर। चलो भाई लोग एडिटिंग करते हैं और चैनल को, आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इनके ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ।